तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग वीडियो होने वाला बहुत ही खास बनने वाला दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कबूतरों के अंडे के बारे में दोस्तों। क्योंकि काफी भाई लोगों का ये कहना होता है कि अगर हम कबूतर के अंडे को छू देते हैं या किसी भी पक्षी के अंडे को छू देते हैं तो उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। अगर इंसान जो है पक्षियों के अंडे को छूता है तो उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, ये कहना होता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम जो है कबूतरों के अंडे को या किसी भी पक्षी के अंडे को छू सकते हैं कि नहीं, उसमें से बच्चे निकलेंगे कि नहीं, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। चैनल पे नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल जो है मैं अपने घर पर हूँ और आज मैं अपने कबूतरों के केज को दिखाऊंगा और उसमें जो बच्चे निकले हैं भाई उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से वो बच्चे निकले हैं और जो उसका अंडा था मैंने छुआ था कि नहीं, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। चैनल पे नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बैक कैमरा करके आपको नज़ारा दिखाते हैं। पहले दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है हमारे कबूतरों का केज है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और कुछ दिन पहले मैंने जो है वीडियोस बनाया था अंडे की, और जब मैं अंडे की वीडियोस बनाया था तो हमारे कबूतरों का केज जो है बहुत ही गंदा था। उस समय जो मैंने कबूतरों के केज को जो है सफ़ा किया था और अंडे को भाई छुआ भी था, आप विश्वास नहीं मानेंगे, अंडे को मैंने छुआ था। और आज आपके सामने जो है रिजल्ट है भाई, दोनों बच्चे जो है काफ़ी हेल्दी बच्चे निकले हैं। और जो है मैंने जो है अंडे को छुआ था और मेरे घर वाले बोल भी रहे थे कि जो है इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, ये अंडा बेकार हो जाएगा। तो हमने सोचा जो है देखते हैं। फिर जो है जैसे ही जैसे समय बीतता गया और बच्चे आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं दोनों बच्चे काफ़ी हेल्दी बच्चे हैं। और मैं भी काफ़ी डर गया था कि बच्चे भाई नहीं निकलेंगे अंडे से, तो अभी देख सकते हैं अंडे से बच्चे निकले। और इससे यही पता चलता है कि आप किसी भी पक्षी के अंडे को छू सकते हैं, उसमें से जो अंडे जो होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे आपके छूने से। और भाई बार बार मत छूइए, एक दो बार अगर छू सकते हैं और बार बार मत छूइए, क्योंकि बार बार अगर छूओगे तो जो कबूतर होता है या कोई भी पक्षी होता है वो जो है अंडे को इनक्यूबेट नहीं करेगा, उसे जो है अंडे को गर्मी नहीं देगा। अगर वो अंडे को इनक्यूबेट और गर्मी नहीं देगा तो अंडे में से बच्चे नहीं निकलेंगे। अगर आप बार बार छुएंगे तो उसकी वजह से जो है जो पक्षी होते हैं जो कबूतर होते हैं वो जो अंडे डिस्टर्ब हो जाते हैं, अंडे को भाई बिल्कुल तरीके से इनक्यूबेट नहीं करते हैं। जब इनक्यूबेट नहीं करेंगे तो उसमें से बच्चे भी नहीं निकलेंगे। तो फिलहाल जो है आप अंडे को छू सकते हो और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एक बार दो बार हो गया, इससे ज़्यादा मत छूइए, क्योंकि अगर बार बार आप छूएंगे तो कबूतर जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे और अंडे को इनक्यूबेट नहीं करेंगे। और जब अगर अंडे को इनक्यूबेट नहीं करेंगे तो उसमें से बच्चे भी नहीं निकलेंगे। तो यही रीज़न होता है, बाकी जो है आप अंडे को छू सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये नज़ारा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है भाई। हमारे दोनों कबूतर जो है अंदर हैं और फिलहाल जो है अभी इनको मैं खोल दूंगा, उसके बाद जो है उड़ान भरेंगे अपना, जो है सारा कुछ जो है ये उड़ के चुन के दाना वाना वगैरह सब कुछ आते हैं। अब मुझे दाना भी नहीं देना पड़ता है और इनका पेट जो है भर जाता है, मैं घर पर पानी पिला देता हूँ बस उसके बाद। तो अभी देख सकते हैं कबूतर के बच्चे जो है काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी प्यारे हैं, आप देख सकते हैं। तो एक बच्चा इस साइड है, एक बच्चा उस साइड है, देखते हैं इनके जो पंख होता है, पंख आते हैं, जो पर आते हैं वो किस कलर के होते हैं, सारा कुछ आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे कबूतरों का नज़ारा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है भाई। और इधर मैं आपको दिखाऊँ तो ये फीमेल कबूतरी है और मेल कबूतरी है। तो ये कुछ इस तरीके से ये नज़ारा है केज का जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आप भी जो है कबूतरों को अंडे को छू देते हैं तो आपको डरने की बात नहीं, उसमें से बच्चे निकलेंगे, अंडे जो है बेकार नहीं होते हैं। आप बार बार मत छूइए अंडे को, नहीं तो जो है आपका कबूतर अंडे जो है इनक्यूबेट नहीं करेगा। तो जैसा कि आपको वीडियो में पता ही चल गया होगा कि अंडे को छूने से कुछ नहीं होता, अंडा वगैरह खराब नहीं होता भाई। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।